वेलकम बैक एवरी वन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी इकोलॉजी वाली यूनिट उसका चैप्टर नंबर ट्वेल्व इको सिस्टम एंड एकको सिस्टम कैन बी विजुलाइज एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर जो इको सिस्टम है हमारा वो यूनिट क्या है एक फंक्शनल यूनिट है मतलब बेसिक यूनिट है अगर वही ना हो तो हमारा नेचर काम ही ना करे तो ईको सिस्टम को हम कैसा मानते हैं कैसा देखते हैं एक फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर वे लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट अमंग देम सेल्फ जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं आपस में इंटरेक्ट करते हैं एंड ऑल्सो विद द सराउंडिंग फिजिकल इन्वामेंट और उस इन्वायरमेंट की जो सराउंडिंग्स है और भी जो चीज़ें प्रजेंट हैं उसके साथ भी इंटरेक्ट करते हैं इकोसिस्टम वेरीज ग्रेटली इन साइज़ फ्राम अ स्मॉल पॉन्ट टू अ लार्ज फॉरेस्ट और अ सी अब इकोसिस्टम वेरी करता है साइज़ में वो एक छोटे से पॉन्ड भी हो सकता है एक बड़ा फॉरेस्ट भी हो सकता है और एक सी भी हो सकती है तो ये सारे क्या हैं इको सिस्टम है हमारे बस किस में वेरी कर रहा है साइज़ में वेरी कर रहा है एक छोटा पॉन्ड है वो भी इको सिस्टम है एक बड़ा फॉरेस्ट है वो भी एक सिस्टम है और एक सी है वो भी इको सिस्टम है मैनी एकोलॉजिस्ट रिकार्ड द एंटायर बायोस्फेयर एज अ ग्लोबल इकोसिस्टम और बहुत सारे इकोलॉजिस्ट हमारे पूरे बायोसफेयर को एक ग्लोबल इकोसिस्टम की नज़रिए से देखते हैं कि पूरा बायोसफेयर जो है हमारा क्या है एक ग्लोबल इकोसिस्टम है एज अ कम्पोज़िट ऑफ ऑल द लोकल इको सिस्टम्स ऑन अर्थ जिसके अंदर सारे लोकल इको सिस्टम्स आते हैं जैसे अभी हमने पढ़ा कि ईको सिस्टम साइज़ में वेरी करते हैं एक पौंड है एक फॉरेस्ट है एक सी है सारे इको सिस्टम है अब ये जितने भी अलग अलग इको सिस्टम प्रजेंट है अगर इन्हें कलेक्टिवली बोला जाए देखा जाए तो क्या बोला जाएगा इनको बहुत सारे इकोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं जब भी सारे कंबाइन होकर अगर देखें तो ग्लोबल इको सिस्टम जिसके अंदर सारे जितने भी लोकल इको सिस्टम्स हैं वो आ जाते हैं सिंस दिस सिस्टम इज टू मच बिग एंड कॉम्प्लेक्स टू टू स्टडी एट वन टाइम अगर हम देखें पूरे ग्लोबल इको सिस्टम की बात करें तो ये बहुत ही बड़ा इको सिस्टम है बहुत कॉम्प्लेक्स है और इसको एक टाइम पर पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है इट इज़ कन्वीनियन टू डिवाइड इंटू टू बेसिक कैटेगरीज इसलिए इसको अपनी कन्वीनियन के हिसाब से अपनी सहूलियत के हिसाब से दो बेसिक कैटेगरीज़ में बांटा गया है नेमल लिड टेरिस्ट्रियल एंड द इक्वेटिक टेरिस्टियल इक्विटिक एक, सिस्टम टेरिस्ट्रियल इको होता है और एक्विटिक इको तो किस बेसिस पे इसको डिवाइड किया फॉर अ कन्वीनियंस ताकि हम आसानी से उसको पढ़ सकें एक बार में इसलिए उसको दो कैटेगरीज में बांट दिया गया टेरिस्टियल इको सिस्टम एन दिटिक इको सिस्टम फॉरेस्ट ग्रासलैंड एग्जाम्पल्स ऑफ टेरिस्ट्रियल इको सिस्टम कौन कौन से एग्जाम्पल हैं हमारे टेरिस्ट्रियल इको सिस्टम के फॉरेस्ट है ग्रास लैंड है और डेजर्ट है ये सब हमारे टेरिस्ट्रियल इको सिस्टम के एग्जाम्पल वहीं पर अगर पॉन्ड, लेक वेटलैंड रिवर एंड हिस्टरी की बात करें तो किसके एग्जाम्पल हमारे इक्वेटिक इको सिस्टम के क्रॉप फील्ड एंड एन इक्वेरियम मेंल्सो भी कंसिडर एज मैन मेड इको सिस्टम जो क्रॉप फील्ड है मतलब जहाँ पे हमारी फसल वगैरह खेत और एक्वेरियम इनको क्या कंसिडर किया जाता है मैन मेड इको सिस्टम ये है हमारे मैन मेड इको क्रॉप फील्ड और एक्वेरियम वी विल फर्स्ट लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द इको सिस्टम इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट द इनपुट प्रोडक्टिविटी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फूड चेन वेब न्यूट्रेंट साइकिल एंड द आउटपुट डिग्रेडेशन एनर्जी लॉस अब बेसिकली कह रहा है जो हमारे इको सिस्टम है किन चीज़ों को मिला के बनता है बेसिकली जो इको सिस्टम का स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या क्या आता है पहला प्रोडक्टिविटी जो उसके अंदर इनपुट डालेगा फिर उस एनर्जी को ट्रांसफ़र करना और फिर उस एनर्जी का क्या है आउटपुट के फॉर्म में क्या होता है एनर्जी लॉस और डिग्रेडेशन ये सारे स्ट्रक्चर हैं हमारे इको सिस्टम के ये चीज़ मिल हमारे इको सिस्टम का स्ट्रक्चर बनाती हैं दैट इज़ द अप्रीशिएट द इनपुट प्रोडक्टिविटी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फूड चेन वैब न्यूट्रन साइकिल एंड आउटपुट डिग्रेडेशन एंड द एनर्जी लॉस वी विल ऑल्सो लुक ऐट द रिलेशनशिप अब हम देखेंगे साइकिल चेन वैब्स ये सब क्या होती हैं जो क्या करते हैं जिसकी वजह से एनर्जी फ्लो होता है विद इन द सिस्टम दैट आ क्रिएटेड कि क्यों बनी है एज अ रिजल्ट किसका रिजल्ट है कि दीज एनर्जी फ्लोज विद इन द सिस्टम एंड द इंटर रिलेशनशिप अगर ये रिलेशनशिप ही ना हो तो कोई भी एनर्जी जो है वो ट्रांसफर ही नहीं हो पाएगी एक लेवल से दूसरे लेवल तक तो ये रिलेशनशिप्स ये जो रिलेशन हैं ये जरूरी हैं नाउ इको सिस्टम स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन अब इको सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है और फंक्शन क्या है कैसे वो क्या काम करता है और कैसे उसका स्ट्रक्चर है इन अर्लियर क्लासेज यू हैव लुक एट द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट ए बायोटिक एन द बायोटिक यू स्टडीड हाउ द इंडिविजुअल बायोटिक एंड ए बायोटिक फैक्टर्स अफेक्टेड ईच अदर एंड देयर सराउंडिंग अब कह रहा पहली क्लास में पढ़ के आए हो कि ए बायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं हमारे इन्वामेंट के और कैसे ये एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं लेट अस लुक एट दिस कंपोनेंट इन अ मोर इंटीग्रेटेड मैनर एंड सी हाउ द फ्लो ऑफ एनर्जी टेक प्लेस विद इन दिस कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। अब इनको हम और अच्छे से पढ़ते हैं इंटीग्रेटेड मैनर में पढ़ते हैं ढंग से पढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे एनर्जी का जो फ्लो है कैसे होता है इन कंपोनेंट्स के थ्रू इन कंपोनेंट्स में कैसे होता है हमारे इको में एनर्जी का फ़्लो तो इंट्रैक्शन ऑफ बायोटिक एन ए बैटिक कंपोनेंट रिजल्ट इन अ फिजिकल स्ट्रक्चर दैट इज़ करेक्टरिस्टिक ऑफ ईच टाइप ऑफ इको सिस्टम अगर इंट्रैक्शन ही ना हो बायोटिक और ए बैटिक कम्पोनेंट्स में बायोटिक में हम क्या ले सकते हैं कि इंसेक्ट्स वगैरह होगा ए बैटिक में आ गए एयर वाटर ये सॉयल ये सब है ए बैटिक कम्पोनेंट इंसेक्ट्स वगैरह किस में आ गए बैटिक कम्पोनेंट्स में तो अगर इंट्रैक्शन ही ना हो बायोटिक और ए बैटिक कम्पोनेंट में तो वो इको सिस्टम इकोसिस्टम अपना काम कर ही नहीं पाएगा उसमें तो इसलिए वहां पे इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन होना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे इको का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं इसे लिखा गया रिजल्ट इन अ फिजिकल स्ट्रक्चर डेट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच टाइप ऑफ इकोसिस्टम आइडेंटिफिकेशन एंड एनिमरेशन ऑफ अ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज ऑफ एन इको गिव इट्स स्पीशीज कंपोजिशन अब वहीं पे अगर पहचान की जाए कि उस इकोसिस्टम में किस टाइप के पेड़ पौधे जानवर मिलते हैं तो वो क्या बताता है कि उस इकोसिस्टम का स्पीशीज कंपोजिशन कैसा है मतलब पर्टिकुलरली जैसे अगर हम बात करें कि हमने पढ़ा था कि एक पौड भी इको है एक फॉरेस्ट भी इकोसिस्टम है अब जो पौन्ड में स्पीशीज मिलने वाली है अगर हम उनको जान पहचान उनकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे एक तरफ पौंड के बारे में और दूसरी तरफ फॉरेस्ट के बारे में तो ये दोनों ही इको सिस्टम है लेकिन इसकी स्पीशीज़ कम्पोजिशन अलग है इसकी कम्पोजिशन अलग है तो कैसे पता चला कि इनका स्पीशीज़ कम्पोजिशन अलग है जब हमने आइडेंटिफाई करा आइडेंटिफिकेशन किया कि इस इको सिस्टम में किस टाइप के पेड़ पौधे जानवर मिल रहे हैं और इस इको सिस्टम में किस टाइप के पेड़ पौधे जानवर मिलेंगे तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल प्रेजेंट ऑन अ पर्टिकुलर इको सिस्टम क्या बनाता है वहाँ का स्पीशीज़ कम्पोजिशन की वहाँ पर कैसी स्पीशीज़ प्रेजेंट है नाउ द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल इस कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन अब स्ट्रेटिफिकेशन क्या है कि जो हमने स्पीशीज़ हैं अलग अलग स्पीशीज़ हैं उनको अलग अलग लेवल पे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि फ़र्स्ट लेवल ये सेकेंड लेवल ये थर्ड लेवल ये फोर्थ लेवल ये अब यहाँ पर अलग अलग स्पीशीज़ है इस लेवल पर अलग स्पीशीज़ है इस लेवल पर अलग स्पीशीज़ है इस पर अलग है इस पर अलग, है, इस पे अलग है. तो इस प्रोसेस को जो मतलब इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को करना स्पीशीज को अलग अलग लेवल पे तो उसे क्या कहा जाता है स्ट्रेटिफिकेशन तो ये इम्पॉर्टेंट है इसकी कि क्या होता है स्ट्रेटिफिकेशन पता होना चाहिए कई बार इसी की डेफिनेशन उठा के या ये पूछ लेते हैं कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ट्री ऑक्यूपाई टॉप वर्टिकल स्ट्रेटा और लेयर ऑफ अ फॉरेस्ट श्रब्स द सेकेंड एंड द हर्ब्स एंड द ग्रास्यूपाई बॉटम लेयर्स मतलब अगर किसी फॉरेस्ट की बात की जाए तो सबसे लेवल पे क्या मिलेगा पेड़ मिलेगा फिर उसके नीचे क्या मिलेंगे श्रब्स मिलेंगे उनसे छोटे उसके नीचे हर्ब्स मिलेंगे और सबसे नीचे क्या मिलेगी ग्रास मिलेगी तो ये क्या है वर्टिकलर डिस्ट्रीब्यूशन है किसका डिफरेंट स्पीशीज का जो डिफरेंट लेवल ऑक्यूपाई करेंगे सबसे लोअर लेवल सेकेंड लेवल फर्स्ट लेवल सेकेंड लेवल एंड द टॉप मोस्ट लेवल ये क्या है लेवल्स हैं और ये क्या है इसको वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट किया गया तो इस चीज़ को क्या गया स्ट्रेटिफिकेशन वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑक्यूपाई डिफरेंट लेवल इस कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन जैसे कि ट्री ऑक्यूपाई करते सबसे टॉप वाली लेवल फिर उसके आते हैं शर्ब्स आती हैं फिर हर्ब्स आती हैं और फिर ग्रासेस आती हैं अब द कंपोनेंट ऑफ इको सिस्टम आर सीन टू फंक्शन एज अ यूनिट वेन यू कंसिडर द फॉलोइंग एस्पेक्ट अगर इन सारे कंपोनेंट्स की बात करें हम देखें और ये जब साथ में काम करेंगे तो तभी हमारा इको एक फंक्शनल इकोसिस्टम कहलाया जाएगा तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं जो हमारे किसी भी इकोसिस्टम को फंक्शनल बनाते हैं क्या क्या कंपोनेंट्स हैं इसके प्रोडक्टिविटी डीकम्पोजिशन एनर्जी फ्लो एंड द न्यूट्रन साइक्लिंग तो ये चार कंपोजिशन हैं। कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द इको सिस्टम तो प्रोडक्टिविटी डीकम्पोजिशन एनर्जी फ्लो एंड द न्यूट्रन साइक्लिंग दीज फोर आर द कंपोनेंट्स ऑफ द इको सिस्टम विच मेक आर इको सिस्टम फंक्शनल टू अंडरस्टैंड द एथोज ऑफ एन इक्वेटिक इको सिस्टम लेट इस्मॉल पॉन्ड एज एन एग्जाम्पल अब हमें अगर अगर हमें एक्वेटिक इको समझना है क्या है तो हम अब उसको एक एग्जाम्पल से लेके समझते हैं किसका एग्जाम्पल है यहाँ पे हमने पॉन्ड का दिस इज फेयरली अ सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट एंड वेदर अ सिंपल एग्जाम्पल दैट एक्सप्लेन इवन द कॉम्प्लेक्स इंट्रेक्शन दैट एग्जिस्ट इन एक्वेटिक इको सिस्टम अब ये क्या है एक सेल्फ सस्टेनेबल है मतलब अपने आप चलने वाला एक पूरा यूनिट एक पूरा इको एक सिस्टम है जो बहुत सिंपल है लेकिन किसी भी कॉम्प्लेक्स जो इको होगा उसके बारे में समझाने के लिए एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है हमारा क्या पॉन्ड इको का अ पॉन्ड इज अ शेलो वाटर बॉडी इन विच ऑल द अबव मैंशन फोर बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ इको सिस्टम आर वेल एग्जिबिटेड जो पॉन्ड है एक शेलो वाटर बॉडी है जहाँ पर ये चारों ही कंपोनेंट्स हमें आसानी से मिल जाएंगे शेलो का मतलब होता है एक लिटिल डेप्थ मतलब थोड़ा गहराई वाला तो पॉइंट क्या है एक शेलो वाटर बॉडी है जिसमें सारे अबव मेंशन कौन कौन जैसे कि से? प्रोडक्टिविटी डिकम्पोजिशन एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्राइकिलिंग ये चारों कंपोनेंट्स चारों बेसिक कंपोनेंट्स हमें आराम से देखने मिलते हैं वहाँ पे द ए बैटिक कंपोनेंट क्या है वहाँ पे वाटर विद ऑल द डिजोल्व इन ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज एंड रिच सॉयल डिपॉजिट एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड अभी यहाँ बताता जा रहा है कि कौन से क्या क्या चीज़ें हमारे किस किस फैक्टर के अंदर आ रही हैं तो ए बैटिक कंपोनेंट क्या हुआ पौंड के अंदर पानी उसमें डिजॉल्व सारे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और रिच सॉयल जो डिपॉजिट है एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड अब जो सोलर इनपुट है द साइकिल ऑफ द टेम्परेचर डे लेंथ एंड अदर क्लाइमेटिक कंडीशन रेगुलेट द रेट ऑफ फंक्शन ऑफ द एंटायर पॉन्ड सोलर इनपुट कितनी सोलर इनपुट आ रही है साइकिल ऑफ टेम्परेचर क्या है डे लेंथ क्या है और जितने भी क्लाइमेटिक कंडीशन है वो क्या रेगुलेट करेंगे रेट ऑफ फंक्शन ऑफ द एंटायर पॉन्ड कि किस रेट पे पूरा पॉन्ड हमारा काम करने वाला है किस रेट पे वो फंक्शन करेगा अब जो ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट है जो मतलब प्रोडक्ट जो प्रोड्यूसर्स हैं जो कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे और इनपुट डालेंगे दैट आर ऑटोट्रॉपिक तो ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट्स में क्या आने वाले पॉइंट में फाइटो कुछ एलगी और कुछ फ्लोटिंग सब मर्ज एंड मार्जिनल प्लांट्स जो कहाँ मिलते हैं एजिस पे एजिस मतलब छोर पे ठीक है तो ये क्या है एक्वेटिक कंपोनेंट्स हुए हम बात करें कंज्यूमर द कंज्यूमर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द जू प्लैंगटॉन अब कंज्यूमर कैसे रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं यहाँ पर जू प्लैंगटॉन्स के थ्रू द कंज्यूमर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द जू प्लैंगटॉन द फ्री स्विमिंग एंड द बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म्स डीकम्पोजर्स कौन होंगे यहाँ पे फनजाए बैक्टीरिया ये सब क्या काम करेंगे डीकम्पोजर्स का, का काम करेंगे द डीकम्पोजर्स आदि फनजाए बैक्टीरिया फ्लैजलेट्स स्पेशली इन द बॉटम ऑफ द पॉन्ड और कहाँ मिलते हैं स्पेशली पॉन्ड के एकदम बॉटम पे दिस सिस्टम परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ़ एनी इको सिस्टम एंड ऑफ द बायसफेयर एज अ होल दैट इज़ कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक इंटू ऑर्गेनिक मटीरियल विद द हेल्प ऑफ रेडियंट एनर्जी सन बाय द ऑटोड्रॉप्स अभी कह रहा है ये इको सिस्टम यहाँ पर सारे काम करने वाला है जैसे कि क्या बताया सबसे पहले बताया कि ये इको सिस्टम सारे काम करेगा जो एक बायोस्फर में होते हैं पूरा बायोस्फेर करता है हमारा कैसे जैसे कन्वर्ट करेगा इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक मटीरियल में लाइक कार्बन को यूज़ करके वाटर को यूज़ करके विद द हेल्प ऑफ सनलाइट हमारा क्या बनता है ग्लूकोज तो क्या है वो एक ऑर्गेनिक मटेरियल है तो कन्वर्जन हो रहा है यहाँ पे इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मटेरियल में विद द हेल्प ऑफ द रेडियंट एनर्जी मतलब सन की एनर्जी से बाय द ऑटोट्रॉप्स और कौन करें काम ऑटोट्रॉप्स तो करें फिर कंजम्पन ऑफ द ऑटोट्रॉप्स बाय हेट्रोट्रॉप्स अब जो वहां पर प्रोड्यूसर्स हैं जो ऑटोट्रॉप्स में उन्होंने बनाया उसको हम कंज्यूम करने वाले कौन हेट्रोट्रॉप हेट्रोट्रॉप जो हैं जो अपने न्यूट्रिशन के लिए अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट है तो कंजम्पशन ऑफ द ऑटोट्रॉप बाय द्रॉपोड कंजम्पशन कौन करेगा ऑटोट्रॉप्स का हेट्रोट्रॉप करेंगे फिर क्या होगा डीकम्पोजिशन होगा और मिनरलाइजेशन होगा डेड मैटर का ताकि जितना भी सब्सटेंस है वो वापस से जो रीयूज कर सके ऑटोट्रॉप्स तो जो एनर्जी कन्वर्जन किसने किया इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में बनाया हमारे ऑटोट्रॉप्स में फिर कंजम्पशन हुआ ऑटोट्रॉप्स का बाय बायट्रोट्रॉप कंजम्पशन ऑफ द ऑटोट्रॉप्स बाय द हेट्रोट्रॉप फिर उसके बाद डीकम्पोजिशन होगा मिनरलाइजेशन होगा वो कौन करेगा डीकम्पोजिशन एंड द मिनरलाइजेशन ऑफ द डेड मैटर टू रिलीज दम बैक फॉर यूज बाय द ऑटोट्रॉप्स दीज इवेंट्स आर रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन अब ये इवेंट्स बार बार रिपीट किए जाते हैं ताकि क्या हो उस अभी इवेंट रिपीट होंगे तो क्या एक cyclic बनाएगा एक साइकिल बनाएगा साइकिल चेन बन जाएगी एक साइकिल बन जाएगी दीज इवेंट्स आर रिपीटेड ओवर ओवर एंड अगेन देयर इज अक डायरेक्शन मूवमेंट ऑफ एनर्जी हायर ट्रॉपिक लेवल एंड इट्स डिसिपेशन एंड लॉस एज अ हीट टू द एनवामेंट अब ये कह रहे हैं कि एनर्जी जो है हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो होती है मान लो ये हमारे लेवल्स हैं ये प्रोड्यूसर्स ये कंज्यूमर्स और ये बोल सकते हैं जैसे हम जैसे ये क्या है हमारे ऑटोट्रॉप्स जिन्होंने खाना बनाया ये है कौन यहाँ पे हेट्रोट्रॉप जिसे हम बोल सकते हैं प्राइमरी कंज्यूमर फिर आ गए यहाँ पे और एक और हेट्रोट्रॉप जो दूसरों पे डिपेंडेंट है उसके अंदर वो कहलाए जाएंगे सेकेंडरी सेकेंडरी कंज्यूमर्स या फिर हम बोल सकते हैं ऑटोट्रॉप्स प्रोड्यूसर्स हैं ये प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर टर्सरी कंज्यूमर ऐसे हमारा बटा हुआ है तो यहाँ हम कह सकते हैं प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स हेट्रोट्रॉप्स हैं सारे फिर उसके ऊपर यहाँ पे हर्बीवोर कह सकते हैं जो डायरेक्टली प्लांट प्लांट फूड खाते हैं फिर क्या आ गए कार्डनी आ गए और फिर क्या आ गए अमली आ गए तो हम ऐसे कह सकते हैं ये हमारा एक लेवल है डिस्ट्रीब्यूशन का ऐसे ऐसे लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है जो जो एनर्जी होती है वो एनर्जी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगी मतलब लोअर ट्रॉपिक लेवल अब जो प्लांट है वो क्या है सबसे नीचे प्रेजेंट है सबसे पहले प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाए जाएंगे लोअर ट्रॉपिक लेवल पे प्रेजेंट है लोअर ट्रॉपिक लेवल तो एनर्जी का फ्लो जो होता है वो लोअर ट्रॉपिक लेवल से हायर ट्रॉपिक लेवल की तरफ जाता है मतलब एनर्जी का जो फ्लो होता है वो यूनिट डायरेक्शन है लोअर ट्रॉपिक लेवल से कहाँ जाएगा हायर ट्रॉपिक लेवल तक जाएगा ये कभी नहीं हुआ कि हायर ट्रॉपिक लेवल से लोअर ट्रॉपिक लेवल की तरफ एनर्जी का फ्लो हो रहा है ऐसा कभी नहीं होता हमेशा जो एनर्जी फ्लो होता है

उसे इनपुट देना जरूरी है सोलर एनर्जी देना जरूरी है वो क्या है बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी इको सिस्टम का काम करने के लिए और सस्टेन मतलब जिंदा रहने के लिए या रहने के लिए तो उसे हम बोल सकते हैं सस्टेन बने रहना तो इको सिस्टम के लिए क्या जरूरी है वहाँ पे वहाँ पे कंटिन्यूस इनपुट मिलता रहे वहाँ पे एनर्जी का तो अ कॉन्स्टेंट इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एनी इको सिस्टम टू फंक्शन एंड सस्टेन फंक्शन करने के लिए और अपने आप को बनाए रखने के लिए वहाँ पे प्रोडक्टिविटी यानी कॉन्स्टेंट सोलर एनर्जी का इनपुट होना जरूरी है प्राइमरी प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ बायोमास द ऑर्गेनिक मेटर प्रोड्यूस बाय पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड ऑफ द प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस अब प्राइमरी प्रोडक्शन का मतलब क्या है प्राइमरी प्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि कितना बायोमास या कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस किया पेड़ों ने बनाया पर यूनिट एरिया मतलब अगर हमारा वन मीटर स्क्वायर एरिया है या वन सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है तो उस पर यूनिट एरिया में कितना ऑर्गेनिक मैटर वो पेड़ बना पा रहे हैं एक ओवर अ टाइम पीरियड कुछ समय में फोटोसिंथेसिस के टाइम पे तो उसे कहा जाता है प्राइमरी प्रोडक्शन इट इज़ एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ वेट उसे वेट के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है या फिर एनर्जी के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को किसके टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं हम या तो वेट के टर्म्स में या फिर एनर्जी के टर्म्स में अब जो द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल प्रोडक्टिविटी नाउ वॉट इज प्रोडक्टिविटी किस रेट पर बायोमास हमारा प्रोड्यूस हो रहा है द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल प्रोडक्टिविटी किस रेट पे बायोमास का प्रोडक्शन होगा उसे हम प्रोडक्टिविटी कहेंगे उसको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है वहाँ पे बस अब टाइम की यूनिट आ जाती है दैट इज ईयर पर ईयर ठीक है तो इट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ग्राम मीटर माइनस इनवर्स स्क्वायर एंड ईयर इन्वर्स वन और किलो कैलोरी मीटर इन्वर्स स्क्वायर और ईयर इन्वर्स टू कंपेयर द प्रोडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट इको सिस्टम ये किस लिए किया जाता है ताकि जो अलग इको सिस्टम है उनकी प्रोडक्टिविटी को कंपेयर किया जा सके अब सपोज़ एक यहाँ पॉन्ड है और एक तरफ फॉरेस्ट है तो इसने भी कुछ एरिया कवर किया होगा मान लेते इसने टेन सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया कवर किया था इसने कर लेते इसने बीस सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया कवर किया हुआ था अब हम देखते हैं दोनों को हमने एक एक ईयर के बाद एक साल के बाद इनका टाइम ड्यूरेशन था अब देखेंगे कि इसने कितना बायोमास बनाया और इसने कितना बायोमास बनाया अब तो इसको जब हम कंपेयर करेंगे कि जो एक साल में कितना बायोमास बना दैट इज प्रोडक्टिविटी तो फिर हम कंपेयर करेंगे एक साल में इतने एरिया में इतनी इक, इस इकोसिस्टम से इतना बायोमास प्रोड्यूस हुआ दैट इज प्रोडक्टिविटी और ये क्यों क्या गया कंपेयर करने के लिए कि अगर एक पौंड था तो उसकी प्रोडक्टिविटी क्या रही और एक फॉरेस्ट था तो उसकी प्रोडक्टिविटी क्या रही हमारे पर ईयर तो टू कंपेयर द प्रोडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट इको सिस्टम इट कैन बी डिवाइडेड इं टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अब प्रोडक्टिविटी को भी दो पार्ट्स में बांटा गया है दैट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो अब क्या है इट इज़ कैन बी डिवाइड टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जी पी पी और द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एन पी 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 जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है इको सिस्टम की वो क्या है इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटो सिंथेसिस अब फोटो सिंथेसिस के टाइम में जितनी भी वहाँ पर प्रोडक्टिव हुई जितना भी प्रोडक्शन हुआ ऑर्गेनिक मैटर का उसे कहा गया फोटो सिंथेसिस के टाइम पर उसे कहा गया है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अब कुछ कंसिडेबल अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज़ यूटिलाइज बाय प्लांट इन रेस्पिरेशन अब प्लांट भी रेस्परेशन करते हैं तो उसमें से जितना भी ऑर्गेनिक मैटर उन्होंने बनाया जितना भी ग्लूकोज बनाया अब रेस्परेशन के टाइम पे उसमें से कुछ अमाउंट उन्होंने अपने लिए भी खर्च किया तो जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी थी अगर उसमें से उनका वो जो रेस्परेशन के टाइम पर लॉस हुआ उसको माइनस कर दें दैट इज़ रेस्पिरेटरी लॉस तो जो बचेगा लास्ट में वो क्या बचेगा हमारा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी नेट मतलब कितना बचा खर्च करने के बाद बेसिकली नेट वही होता है ना हम कहते हैं कि टोटल इतना था इतना तुमने खर्च कर दिया तो अब नेट कितना बचा लास्ट में कितना बचा दैट इज़ नेट तो वैसे ही क्या है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी टोटल प्रोडक्शन इतना हुआ कुछ उन्होंने यूज़ करा यूटिलाइज़ करा जो लॉस हुई रेस्पिरेशन के फॉर्म में दैट इज़ रेस्पिरेटरी लॉस तो टोटल तो 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 जितना बनाया था उसमें से वो रेस्पिरेटरी लॉस माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो नेट बचेगा दैट इज़ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो ये बताएं जी पी पी माइनस आर आर इज रेस्पिरेटरी लॉस इज इक्वस टू द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द एवेलेबल बायोमास फॉर द कंज्पन टू हेट्रोट्रॉप्स अब यही जो नेट बचता है वही हमारे लिए अवेलेबल है वही हम कंज्यूम कर कंज्यूम कर सकते हैं कौन हैट्रोट्रॉप्स जैसे कि हरबी वोर एंड द डम्पोजर्स तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द एवेलेबल बायोमास फॉर द कंजम्पशन टू हेट्रोट्रॉप्स दैट इज हरबी वोर एंड डिकम्पोजर्स तो ये क्या होता है हमारा वही नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हमारे लिए अवेलेबल होती है जिसको हम यूज़ करते हैं हमारे कंजम्पशन के लिए सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज अ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय द कंज्यूमर्स अब देखो ये क्या था प्राइमरी प्रोडक्टिविटी फिर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दो पार्ट में आई ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो बेसिकली जो प्लांट्स ने बनाई वो थी प्राइमरी अब जो हम कंज्यूम करेंगे नेट वाली और उसके बाद जो बनेगा हमारा ऑर्गेनिक मैटर या जो कंज्यूमर बनाएगा उसको यूज करने के बाद दैट इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्योंकि अब फर्स्ट लेवल पे थे हमारे प्लांट प्रोड्यूसर्स जो उन्होंने बनाया उसे हमने कंज्यूम करा हमसे सेकेंड लेवल पे हरबी वोट अब जो हर्बी वोट्स से बनेगा दैट इज वो फर्दर ट्रांसफर होगा थर्ड लेवल के पास तो वो क्या कहलाई जाएगी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्योंकि उसे सेकेंड लेवल वाले ने प्रोड्यूस किया है दैट इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कौन प्रोड्यूस करता है कंज्यूमर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय द कंज्यूमर्स प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड ऑन द प्लांट स्पीशीज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किस पर डिपेंड कर रही है हमारी प्लांट स्पीशीज पे तो द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड ऑन द प्लांट स्पीशीज इन्हेबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया की एक पर्टिकुलर एरिया में कौन सी प्लांट स्पीशीज रहती है उस पर डिपेंड करती है हमारी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इट ऑल्सो डिपेंड ऑन अ वायटी ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इस पर भी डिपेंड करती है कि अलग अलग जो इन्वयरमेंटल फैक्टर्स हैं क्या हैं अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रीस न्यूट्रंस कितने अवेलेबल हैं और फोटो सिंथेटिक कैपैसिटी क्या है प्लांट की क्यों कितना फोटो सिंथेसिस कर पा रहा है पूरे दिन में देअ फॉर इट वेरीज इन डिफरेंट टाइप ऑफ इको सिस्टम इसलिए वही फिर से प्लांट प्रोडक्टिविटी जो होगी वेरी करेगी अलग अलग इको सिस्टम की एक्विडिक इको सिस्टम की अलग होगी टेरिस्टल टेरिस्टियल इको सिस्टम की अलग होगी तो वही हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वेरी करती है अकॉर्डिंग टू दि इको क्योंकि वो सब किस पर डिपेंड करता है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर कैसा है न्यूट्रिएंट कितने अवेलेबल हैं और फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी प्लांट की कितनी है देअ फॉर इट वेर इन डिफरेंट टाइप ऑफ इको सिस्टम द एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ़ द होल बायोस्फेर इज अप्रॉक्सीमेटली वन बिलियन टनस ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर अगर बात की जाए अगर हम कंसिडर करते हैं हम जितने भी लोकल सब प्रेजेंट हैं उनको साथ में कंसिडर करके क्या बोलते हैं कि एक ग्लोबल इकोसिस्टम है तो वही उसने कहा कि अगर पूरे बायोस्फीयर को देखा जाए तो कितनी प्रोडक्टिविटी कितना इनपुट आता है एनुअल तो एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आती है पूरे होल बायोस्फेर की अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है वन सेवेंटी बिलियन टन यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है पूछा जाता है कि एनुअल प्रोडक्टिविटी होल बायोस्फेर की कितनी है अप्रोक्सीमेटली वन सेवेंटी बिलियन टनस और कैसा है वो ड्राई वेट है ना कि वेट 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 मतलब जब उसमें से उसका पानी जो वाटर अमाउंट है उसको हटा दिया जाए तो ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जो बचता है फिर जब पानी को हटा के वो बचता है ड्राई वेट ऑफ दिस डिस्पाइट ऑक्यूपाइंग अबाउट सेवेंटी परसेंट ऑफ द सरफेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ओशन आर ओनली फिफ्टी फाइव बिलियन टनस अगर वही हम कंपेयर करें ओशन के साथ तो ओशन जो होता है सेवेंटी परसेंट सरफेस हमारा कवर करके रखा है अर्थ का लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है सिर्फ फिफ्टी फाइव बिलियन टन्स तो ये ज़रूरी नहीं है जिसने एरिया ज़्यादा कवर करके रखा हो कि उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो इस चीज़ से हमें ये पता चलता है कि एरिया से प्रोडक्टिविटी का कोई रिलेशन नहीं है कि अगर ऐसे जैसे ओशन ने इतना बड़ा एरिया कवर करके रखा है अप्रॉक्स सेवेंटी परसेंट एरिया सरफेस जो है हमारा ओशन कवर करता है लेकिन प्रोडक्टिविटी किसकी ज्यादा है अप्रॉक्स हमारे पूरे पूरे बयास की देखें तो 170 बिलियन टन्स है और जिसमें से सिर्फ ओशन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है 55 बिलियन टन्स तो बाकी जितना भी आ रहा है कहाँ से आ रहा है लैंड से आ रहा है तो रेस्ट ऑफ अफ कॉट इज ऑन लैंड बाकी सब कहाँ से आ रहा है लैंड से आ रहा है तो इस चीज़ से हमें यह पता चलता है कि प्रोडक्टिविटी सरफेस पर डिपेंड नहीं करती है नाउ द सेकेंड कंपोनेंट क्या था हमारा डी यू मै हैव हर्ड ऑफ द अर्थवॉर्म बींग रेफर्ड टू एज अ फार्मर्स फ्रेंड अब तुम्हें पता ही है कि डिकम्पोजिशन में जब हम पढ़ रहे हैं तो अर्थवर्म क्या कहा जाता है अर्थवॉर्म को फार्मर्स फ्रेंड कहा जाता है क्यों कहा जाता है क्योंकि वहाँ डिकम्पोजिशन में हेल्प करता है बेसिकली हम बचपन से यही पढ़ता है एट नाइन्थ सिक्स सेवन्थ क्लास में कि अर्थवॉर्म क्या है फार्मर्स फ्रेंड बोलते हैं उसको क्योंकि दिस इज सो बिकॉज द हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर एज वेल एज लूजनिंग ऑफ द सॉइल वो क्या करता है जितने भी हमारे सॉइल में जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर हैं उनका ब्रेकडाउन करता है उनको तोड़ता है सिंपल फॉर्म्स में और जो सॉइल होते हैं उसको लूज करने में हेल्प करता है पोरस बनाता है similarly decomposers break down complex organic matter into inorganic substances like the carbon dioxide water and the nutrient and the process is called decomposition वैसे ही जो decomposers होते हैं वो क्या करते हैं ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड द न्यूट्रिएंट्स एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड डीकंपोजिशन और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है डीकंपोजिशन कहा जाता है तो डिकम्पोजिशन क्या हुआ ब्रेक डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इंटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर न्यूट्रिन द प्रोसेस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन डेड प्लांट रिमेन्स सच एज लीव्स बाग फ्लावर एंड ऑफ द एनिमल इंक्लूडिंग फीकल मैटर कॉन्स्टिट्यूट द डेट अब जितना भी जो हमारे पेड़ पौधे मर गए हैं तो डेड प्लांट की डेड प्लांट के रिमेन्स बची हुई जैसे पत्ती बार्क फ्लावर डेड रिमेन एनिमल्स का जिसके अंदर उनका फीकल मैटर आ गया ये सब क्या बनाते हैं डेट्राइटस बनाते हैं जो एक रॉ मटीरियल है फॉर द डिकम्पोजिशन मतलब इसी का डिकम्पोजिशन होगा तो डिकम्पोजिशन कितना किसका हो रहा है यहाँ पर जो डेड प्लांट रिमेन्स है डेड एनिमल रिमेन्स है इसके अंदर फीकल मैटर आ गया ये सारी चीज़ें बनाती हैं डेट्राइटस और इन्हीं का क्या होगा डीकम्पोजिशन होगा तो डीकम्पोजिशन किसका होता है डेटराइटस का द इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ द डीकम्पोजिशन आर द फ्रेगमेंटेशन लीचिंग कैटाबोलिज्म ह्यूमिनीफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन अब डी कम्पोजिशन एक पूरा प्रोसेस है उस प्रोसेस में कितने स्टेप्स लग रहे हैं फ्रेगमेंटेशन लग रहा है लीचिंग लग रहा है कैटाबॉलिज्म लग रहा है ह्यूमिनिफिकेशन लग रहा है एंड मिनरालाइजेशन तो टोटल कितने स्टेप्स लग रहे हैं दैट इज फ्रेगमेंटेशन वन Leaching is second, catabolism third, huminification is fourth and mineralization is fifth. तो हमारा decomposition process है जिसको complete करने के लिए कितने steps लगते हैं हमारे पांच steps लगते हैं। पहला है हमारा fragmentation, पहला क्या है हमारा fragmentation, फिर है हमारा leaching, फिर है catabolism, फिर है huminification और फिर है mineralization. Now detritivore, detritivore क्या है? अर्थवॉर्म है ब्रेक डाउन डेट्राइटस इंटू स्मॉलर पार्टिकल्स जो क्या करेगा डेटराइटस को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ेगा तो डेटराइटस क्या था डेड एंड डिकेइंग मैटर प्लांट और एनिमल्स का और डेट्रीवोर क्या है जो उसको तोड़ने वाला है डेट्रीवोर का एग्जांपल है हमारा अर्थवॉर्म वो क्या करेगा डेटराइटस को तोड़ेगा छोटे छोटे पार्टिकल्स में दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग जब लीचिंग का प्रोसेस होता है तो वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स गो डाउन इनटू द सॉइल ओरिजन एंड गेट प्रेसिपिटेटेड एज अन अवेलेबल सॉल्ट तो बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग जब लीचिंग का प्रोसेस होता है जो जितने भी वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक न्यूट्रेंट्स हैं क्या है जितने भी वाटर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक न्यूट्रेंट हैं वो नीचे चले जाते हैं सॉइल में और प्रेसिपिटेट हो जाते हैं एक अन अवेलेबल सॉल्ट के फॉर्म में तो जो बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम्स हैं वो डिग्रेड होते हैं डेट्राइटस को डिग्रेड करते हैं डेटराइटस को सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम कैटाबॉलिज्म तो बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम डिग्रेड डेटराइटस इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है कैटाबॉल Ketabol, कैटाबॉलिज्म कहा जाता है तो क्या देखा कि जो डेट्राइटिव रहा है जैसे कि अर्थ वो डेट्राइटिस को तोड़ेगा छोटे छोटे पार्टिकल में उसे कहेंगे फ्रेगमेंटेशन फिर लीचिंग होगी लीचिंग मतलब जितना भी वाटर सॉलिबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रन था वो धीरे धीरे नीचे जाएगा और सॉइल ओरिजन में चला जाएगा और वहां पर प्रेसिपिटेट के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाएगा किसके फॉर्म में अनएवेलेबल सॉल्ट के फॉर्म में मतलब अब वो सॉल्ट हमें मिलने नहीं वाले फिर जो बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम है वो डिग्रेड कर रहे हैं डेट्राइटिस को सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में उसे कहा जाता है कैटाबोलिज्म फ्रेगमेंटेशन एंड कैटाबॉलिज्म बोथ आर डिफरेंट थिंग्स फ्रेगमेंटेशन में क्या हो रहा है उसको छोटे छोटे ये पूरा डेट्राइटिव हो रहा है सपोज मान लो एक ये इस लाइन को रिप्रेजेंट कर अब उसे चो, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना अब उसका केमिकल नेचर यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है वहां पे वो ऑर्गेनिक मैटर ही था और अभी भी वो ऑर्गेनिक मैटर में ही चें है लेकिन बस उसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन गए अलग 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 दिस स्टेप इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन फिर फ्रेगमेंटेशन हुआ यहाँ पे अब जो जितना भी यहाँ पे क्या था जितना भी यहाँ पे जो था हमारा क्या इन अब जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रेंट होगा वो चला जाएगा और सॉयल में प्रिसिप्टेट ऑफ सॉल्ट की तरह हो जाएगा अब फिर जो बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम होंगे वो डेट्राइटस पे काम करने वाले इन पे काम करेंगे अब इनका केमिकल नेचर चेंज होगा और वो किस में चले जाएंगे हमारे मतलब अब वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म थी थोड़ी अब और किस में बनेंगे सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में बन जाएंगे तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा कैटाबॉलिज्म कहा जाएगा

क्या काम करता है रिजर्वर ऑफ न्यूट्रेंट मतलब न्यूट्रेंट्स को रिजर्व करके रखता है अपने अंदर कौन रिजर्व करके रखेगा ह्यूमस क्योंकि कैसा नेचर है उसका कोलाइडल नेचर है द ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स the humus is further degraded by some microbes and release of inorganic nutrient occur by the process known as mineralization ab hum humus ka that is humification अब यहाँ से भी पूछा जाता है ह्यूमस क्या है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक पूछी जाती है क्या है डार्क कलर्ड है एमॉर्फस है और हाईली रेजिस्टेंट है माइक्रोबियल एक्शन के और धीरे जो उसका और डीकम्पोजिशन में जाती है बहुत ही स्लो रेट पे बहुत ही स्लो रेट पे और कैसा नेचर उसका बींग कोलाइडल इन नेचर किसका काम करती है रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रेन तो बेसिकली कोलाइडल ना कुछ ऐसी चीज़ होती है जिसमें जो पार्टिकल होते हैं ना बहुत माइन्यूट बहुत छोटे बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में सब्सटेंस में पूरी जगह इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो बेसिकली कोलाइडल का मतलब वो होता है तो ह्यूमस अब फर्दर डिग्रेड हो रही है माइक्रोब्स से फिर जब वो रिलीज करते हैं वहां पे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को उस प्रोसेस को कहा जाता है मिनरलाइजेशन मतलब उस पर क्या माइक्रोब डिग्रेड करा अभी हमने पढ़ा कि डीकम्पोजिशन होता है बहुत ही स्लो रेट पे इसीलिए फिर वहां पर कुछ इनऑर्गेनिक न्यूट्रंट रिलीज होते हैं उसी प्रोसेस को कहा जाता है मिनरलाइजेशन और ये दोनों प्रोसेस का होते हैं सॉइल में डिकम्पोजिशन इज लार्जली एन ऑक्सीजन रिक्वाइंग रिक्वायरिंग प्रोसेस तो डिकम्पोजिशन क्या ऐसा प्रोसेस है ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है मतलब जिसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है वो प्रोसेस तब होगा द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज कंट्रोल्ड बाय द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द डेट्राइटर्स एंड द क्लाइमेटिक फैक्टर अब जो डिकम्पोजिशन का रेट है डीकम्पोजिशन पूरा प्रोसेस है जिसको फर्दर जो पांच स्टेप्स के थ्रू हो रहा था दैट इज फ्रेगमेंटेशन लीचिंग मिनरलाइज ह्यूमिफिकेशन एंड द मिनलाइजेशन तो ये पांच स्टेप्स के थ्रू हो रहा है अभी किस पे डिपेंड करेगा कि केमिकल कंपोजिशन कैसा है डेट्राइटस का और क्लाइमेटिक फैक्टर्स क्या है इन अ पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन अब हम देखने जा रहे हैं कैसी कंडीशन डीकम्पोजिशन रेट इज स्लो इफ द डेट्राइटस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन अब लिग्निन और काइटिन हमारे ये क्या है कंपोजिशंस हैं डेट्राइटस के अगर वो लिग्निन और कार्टन का बना है तो वहाँ पे डिकम्पोजिशन का रेट स्लो होगा वहीं पे क्विक हो जाएगा अगर वहाँ पे जो डेटराइटस है वो रिच है नाइट्रोजन और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस लाइक शुगर किस में रिच होना चाहिए नाइट्रोजन में और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेज जैसे कि शुगर अगर ऐसे सब्सटेंसेज हैं उसकी बॉडी में तो वहाँ पर डिकम्पोजिशन का रेट ज़्यादा होगा स्लो का होगा जब वो लिग्निन और कार्टन का बना होगा टेम्परेचर एंड सॉयल मॉइस्चर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर डेट रेगुलेट डीकम्पोजिशन थ्रू देयर इफेक्ट ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द सॉइल माइक्रोब्स जो टेम्परेचर है और

और एनरोबिसिस मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन की डिफिशेंसी है तो वो क्या करेगा इनिबिट करेगा डी को और वहाँ पे क्या होगा ऑर्गेनिक मटीरियल बिल्डअप होता जाएगा तो यहाँ पे हमने देखा डिकम्पोजिशन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है कि केमिकल कंपोजिशन कैसा है डेट्राइटस का और क्लाइमेटिक फैक्टर क्या है केमिकल कंपोजिशन में देखा अगर वो किसके बने हैं लिग्निन और काइटिन का है तो वहाँ पर डिकम्पोजिशन स्लो होगा वहीं पर अगर वो नाइट्रोजन और वाटर सोलिबल सब्सटेंस जैसे शुगर्स का बना है तो डिकम्पोजिशन तेज हो जाएगा वहीं पर टेम्परेचर और वहाँ पर क्या है कैसा मॉइस्चर कंटेंट है अगर टेम्परेचर है और तो मॉइस्ट इनवायरमेंट है और कमी है तो वहां पर भी डिकम्पोजिशन कैसे हो जाएगा हमारा स्लो हो जाएगा और वहां पर क्या हो जाएगा जितना भी ऑर्गेनिक मटीरियल है वहां पर धीरे धीरे बिल्डअप होता जाएगा तो ये हमने देखा डीकम्पोजिशन हमने दो चीजें पढ़ ली दो कंपोनेंट्स पढ़ लिए यहाँ पे हमारे एबायोटिक उसके सॉरी हमारे इकोसिस्टम के दैट इज़ वन इज़ प्रोडक्टिविटी सेकंड इज डीकम्पिशन अब हम थर्ड पढ़ने जा रहे हैं एनर्जी फ्लो एक्सेप्ट फॉर द डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम सन इज द ओनली सोर्स ऑफ द एनर्जी फॉर ऑल इको ऑन द अर्थ अगर हम देखें कि जो सन है वही एक इकलौता सोर्स है हमारे एनर्जी के लिए पूरे इको सिस्टम पे अर्थ पे कुछ डीप सी हाइड्रोथर्मल मतलब बहुत ही समुद्र के अंदर बिल्कुल गहराई में जाके अगर वहाँ एक्सेप्शन अगर वहाँ क्योंकि सन रेज वहाँ पेनिट्रेट नहीं कर पा रही इसीलिए उसे दें देखा बाकी सबको देखा जाए तो सिर्फ सन ही एक ऐसा सोर्स है जो हमारे सारे इको को क्या देता है एनर्जी देता है ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन लेस देन फिफ्टी परसेंट ऑफ इट इज़ फोटो एक्टिव रेडिएशन अब जितनी पड़ती है उसमें से अगर पचा उसकी पचास परसेंट से भी कम सिर्फ क्या है फोटो एक्टिव रेडिएशन है मतलब वैसी रेडिएशन जो फोटो करवाएगी तो वो कितनी है पचास परसेंट से भी कम है जितना हमारी सोलर रेडिएशन सोलर इज इंसिडेंट होती है अर्थ पे उसका भी उससे भी मतलब पचास परसेंट से भी कम उसका सिर्फ जो हमारा फोटो सिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन के अंदर आती हैं वी नो दैट द प्लांट एंड फोटो सिंथेटिक बैक्टीरिया जैसे कि जिन्हें ऑटोट्रॉप्स कहते हैं वो क्या करते हैं फ़िक्स सन्स रेडिएट एनर्जी टू मेक फूड फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल हमें पता है वो क्या करते हैं है? सन की एनर्जी को फ़िक्स करते हैं उसको चेंज करते हैं किस में सोलर एनर्जी चेंज होती है हमारी केमिकल एनर्जी में जिससे अपना वो खाना बनाते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को यूज़ करके प्लांट कैप्चर करता है सिर्फ दो से दस परसेंट ऑफ पी आर हमने देखा कि ये हमारा सन है ठीक है इसकी रेडिएशन अर्थ पे जितनी आ रही है उसमें भी उसका लेस देन उसका पचास परसेंट से भी कम जो क्या है फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है अब इसमें से भी जो पेड़ है वो सिर्फ दो से दस परसेंट लेते हैं इस रेस का अपना खाना बनाने के लिए एंड दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ द एनर्जी सस्टेन द एंटायर लिविंग वर्ल्ड और सिर्फ ये दो से दस परसेंट हमारा पूरा वर्ल्ड हमारा पूरा इकोसिस्टम हमारा पूरा बायोस्फीयर चला रही है सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंटेंटें टू नो हाउ द सोलर एनर्जी कैप्चर्ड बाय द प्लांट फ्लो थ्रू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑफ एन इको सिस्टम तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना समझना कि सोलर एनर्जी कैसे कैप्चर करते हैं प्लांट कैसे वो फ़्लो करती है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के थ्रू इको सिस्टम में अब जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो डिपेंडेंट है फूड के लिए प्रोड्यूस पर इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अब हमें पता है जितने भी ऑर्गेनिज्म वो क्या है डिपेंडेंट है किस पर डिपेंड है फूड के लिए किस पर डिपेंडेंट है प्रोड्यूसर्स पे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली तो ऑल ऑर्गेनिज्म आर डिपेंडेंट फॉर देयर फूड और प्रोड्यूसर्स इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सो यू फाइंड यूनियन डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन टू प्रोड्यूसर्स एंड देन टू कंज्यूमर्स तो हमने क्या देखा कि यूनिट डायरेक्शन फ़्लो होता है एनर्जी का सन से प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूसर्स से कंज्यूमर्स जो अभी हम देख के आए थे कि एनर्जी जो है हमारी सिर्फ लोअर ट्रॉपिक लेवल से हायर ट्रॉपिक लेवल की तरफ ही जाती है फर्दर इको सिस्टम्स आर नॉट एक्जेंट फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडानेमिक्स तो ये जो था यूनिट एक्शन फ्लो ये क्या है दिखाता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स भी दिखाता है वहीं पर अगर हम इको सिस्टम देखें कि इको सिस्टम हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से भी नहीं बता है मतलब दे नीड अ कॉन्सेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी टू सिस टू सिंसिसाइज अ मोलिक्यूल दे रिक्वाक्वायर की मतलब वहाँ क्या चाहिए कॉन्सेंट सप्लाई चाहिए एनर्जी की ताकि वो अपना काम अपना फंक्शन जो भी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं जो भी प्रोडक्टिविटी है वो कंटिन्यूसली चलती रहे है. क्ट दूनिवर्सल टेंडेंसी टूर्ड्स इनक्रीजिंग डिसऑर्डरलीनेस मतलब उन्हें पर्टिकुलर एनर्जी की सप्लाई चाहिए ताकि जो मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता है वो बनते रहें और जो यूनिवर्सल की टेंडेंसी है कि वो डिसऑर्डरलीनेस की तरफ जाए धीरे धीरे उसको कॉन्ट्रैक्ट कर सके उसके अगेंस्ट रहें उसकी तरफ ना बढ़ें उसके लिए क्या है वहाँ पे कॉन्स्टेंट नीड है वहाँ पे एनर्जी सप्लाई की दैट इज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडानेमिक्स द ग्रीन प्लांट इन द इको सिस्टम आर कॉल प्रोड्यूसर्स जो ग्रीन प्लांट होते हैं हमारे इको सिस्टम में उन्हें प्रोड्यूसर्स कहा जाता है टेरिस्टियल इको सिस्टम मेजर प्रोड्यूसर्स आर द हर्बिशियस एन द वुडी प्लांट्स अब वहीं पर अगर जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो क्या है प्रोड्यूसर्स हैं और जो टेरिस्टियल इको सिस्टम है वहाँ पे मेजर प्रोड्यूसर्स क्या है वुडी प्लांट्स है लाइकवाइज प्रोड्यूसर्स इनो सिस्टम की बात करें तो वहां पर प्रोड्यूसर्स काम करता है? है कि टेरिस्टल इको सिस्टम में प्रोड्यूसर्स कौन रहेगा और इक्विटिकोड्यूसर्स कौन रहेगा तो हमने देखा टेरिस्टर में कौन है टेरिस्टर में है हमारे हर्बेश्लांट्स वहीं पर एक्वेटिक की बात करते हैं तो वहाँ कौन है जैसे कि फाइटो प्लैंगटॉन फाइटो प्लैक्टोन कहाँ है एक रीड अबाउट द फूड इनचर स्टार्टिंग प्रोड्यूसर फूड चेंज और फीड ऑन प्लाट और मतलब बता रहे कि हैं कि आप बचपन से पढ़ते आए हैं कि फूड चेंज और फूड वेब्स के बारे में क्या होते हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं कहाँ से स्टार्ट होती है बेसिकली प्लांट से स्टार्ट होती है हमारी फूड चेन फूड वेब्स तो यू अबाउट अ फूड चेन वेब दैट एग्जिस्ट इन नेचर स्टार्टिंग फ्रॉम द प्लांट और प्रोड्यूसर्स फूड चेन्स और अदर वेब्स आर फॉर्म्स सो दैट एनिमल फीड ऑन अ प्लांट कैसे कि एनिमल पे एनिमल फीड करता है प्लांट पे कैसे बनती है चेन अब ये बता रहे प्लांट है प्लांट को कौन फीड करता है एनिमल्स जो प्लांट बेस्ड फूड डाइट लेते हैं फिर एनिमल को कौन खाता है दूसरा एनिमल खाता है जो कैसे हुए कार्निवोर हुए तो इन्हें लिख सकते हैं हम ये कैसे हो गए हरबी ये क्या हुए है कार्निवोर तो ये क्या बन गए इसका प्लांट इनका फूड बना ये इसका फूड बना दैट इज़ फूड चेन ये क्या बना रहा है एक पूरी फूड चेन बना रहा है हमारी वहीं पे जब फूड चेन बहुत सारी एक तीन चार फूड चेन एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो जाए तो मिलके बनाती है फूड वेब तो फूड चेन वेब्स वे फॉर्म सर्च एट द एनिमल फीड ऑन प्लांट ऑन अंदर एनिमल एंड इन टर्न ऑन फूड फॉर अदर वही कह रहे हैं पेड़ों को जानवर ने खाया पेड़ खाने बने जानवर का अगला जानवर खाना बनेगा दूसरे जानवर का तो ये क्या गया चेन बन जाती है द चेन ऑफ द वेब इज फॉर्म बिकॉज ऑफ दिस इंटर डिपेंडेंसी क्यों बनी ये चेन क्योंकि एक दूसरे पर ये डिपेंड कर रहे हैं अपने खाने के लिए नो एनर्जी डेट इज ट्रेप्ड इन टू ऑर्गेनिज्म फॉर एवर अभी ये कहना जो एनर्जी ट्रैप हो जाती है एक ट्रॉपिक लेवल पे एक ऑर्गेनिज्म के पास वो हमेशा उसके पास नहीं रहती वो हमेशा ट्रांसफर होती है एक से दूसरे फॉर्म में अब प्लांट ने एनर्जी बनाई थी वो ट्रांसफर हुई एनिमल्स में अब उस एनिमल वो किसी और का फूड बना उसके अंदर जो एनर्जी थी वो ट्रांसफर हो गई उसके अगले वाले ट्रॉपिक लेवल पर या अगले वाले ऑर्गेनिज्म पर तो इसलिए एनर्जी हमेशा जो भी ट्रैप होती है ऑर्गेनिज्म में कभी भी वो उसके पास हमेशा नहीं रहती वो हमेशा किसी ना किसी रूप में आगे ट्रांसफ़र होगी तो वही द चेन नो एनर्जी दैट इज ट्रैप्ड इनटू द ऑर्गेनिज्म रिमेन इथ फॉर एवर द एनर्जी ट्रेड बाय द प्रोड्यूसर्स हैज इट इज ईद पास ऑन टू अ कंज्यूमर और द ऑर्गेनिजम डाइज डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज द बिगनिंग ऑफ द डेट्राइटस फूड चेन वैब या तो जो वो पाज्ड होगी दूसरे कंज्यूमर के पास या फिर ऑर्गेनिज्म मर जाएगा जब ऑर्गेनिज्म मर जाएगा फिर से वो एनर्जी उसके पास नहीं है वो एनर्जी कहाँ बन जाएगी वहीं से स्टार्ट हो जाएगी हमारी डेटराइटस वाली फूड चेन या फूड वेब क्योंकि हमने पढ़ा था डेटराइटस क्या था डेड एंड डिकिइंग मैटर ऑफ प्लांट एंड एनिमल तो ऑल एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट जो एनिमल डिपेंड करते हैं प्लांट में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड नीड्स दे आर हैंड्स कॉल्ड कंज्यूमर्स एंड ऑल्सो एट द हट्रोट्रॉप्स उन्हें कहा जाता है कंज्यूमर्स और हेट्रोट्रॉप्स इफ द फीड ऑन द प्रोड्यूसर द प्लांट दे आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर एंड इफ द एनिमल ईट द अदर एनिमल विच इन टर्न द प्लांट और दे आर प्रोड्यूस दे आर कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर अब ये कह रहे हैं कि अगर प्लांट को जो ये एनिमल खा रहा है दैट इज प्राइमरी कंज्यूमर अब उस एनिमल को जिसने डायरेक्टली प्लांट को खाया या प्लांट प्रोडक्ट को खाए वो उसके अगला जो एनिमल उसको खाएगा दैट विल बी सेकेंडरी कंज्यूमर क्या कहलाया जाएगा वो सेकेंडरी कंज्यूमर तो प्राइमरी कंज्यूमर क्या होता है जो डायरेक्टली प्लांट को खा रहा है तो वही कहा गया है इफ़ दे फीड ऑन द प्रोड्यूसर अगर वो प्रोड्यूसर्स पर फीड करें प्लांट पर तो उन्हें प्राइमरी कंज्यूमर कहा जाता है अगर वो एनिमल इफ़ द एनिमल ईट अदर एनिमल अगर एक जानवर दूसरे जानवर को खा रहा है विच इन टर्न ईट द प्लांट जिसने पेड़ों को खाया था उनके प्रोडक्ट को उसे कहते हैं हम सेकेंडरी कंज्यूमर लाइक वाइज यू कुड हैव फिर अब इस चीज इसको जो अगला जानवर खाने वाला है वो क्या कहलाएगा टर्शरी कंज्यूमर लाइक वाइज यू कुड हैव द टर्शरी कंज्यूमर टू वैसे ही आपके पास टर्शरी कंज्यूमर भी हो सकता है ऑब्वियसली जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो क्या हुआ हरबी वो हुआ मतलब वो प्लांट बेस्ड डाइट खा रहा है प्लांट्स बेस्ड प्लांट, बे, प्लांट बेस्ड उसकी फूड है सम कॉमन हरबी वोर जैसे कि इंसेक्ट हो गए बर्ड्स हो गए मैमल्स हो गए टेरेस्टल इकोसिस्टम के और मॉल्स होते हैं इन एक्वेटिक इको अब यहाँ से ये इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि हरबी वोर ऑफ एक्वेटिक इको सिस्टम एक्वेटिक इको सिस्टम का हरबी वोर कौन है यहाँ तो हम बता देंगे इंसेक्ट है बर्ड है मामल है जो टेरेस्टल इको सिस्टम पर रहते हैं लेकिन एक्टिक जो इको सिस्टम है वहाँ का हरबी वोर कौन है तो वो कौन होता है हमारे मॉल्स का तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से यह पी वाई क्यू है यहाँ से पूछा गया है क्वेश्चन इसी लाइन से कि मोलस्क इज एन एक्वेटिक मॉलस क्या है हमारे हर्बी वोर है एक्वेटिक कंज्यूमर दैट फीड ऑन दीज हरबी वोर आर कार्निवर अब इन हर्बी वोर को जो खाएगा वो कहलाएगा और मोर करेक्टली जिसे हम बोलेंगे प्राइमरी कार्निवोल अब देखो जो हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर था सेकेंडरी कंज्यूमर को क्या कहा जा रहा है प्राइमरी कार्निवोर प्राइमरी कार्निवोर क्योंकि वो एक एनिमल को खा रहा है एक एनिमल दूसरे एनिमल को खाता है कहलाया जाएगा कार्निवोर और जब एक एनिमल दूसरे एनिमल को खा रहा है तो वो क्या होगा सेकेंडरी कंज्यूमर होगा क्योंकि प्राइमरी कंज्यूमर वो एनिमल है जिसने प्लांट को खाया तो प्लांट को खाने वाला प्राइमरी कंज्यूमर एनिमल एनिमल को खाने वाला सेकेंडरी कंज्यूमर लेकिन जिस एनिमल ने एनिमल को खाया वो सेकेंडरी कंज्यूमर तो है साथ साथ वो प्राइमरी भी है भाई लिखा है दो सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कार्डिड के साथ साथ वो सेकेंडरी कंज्यूमर भी है दोज एनिमल दैट डिपेंड ऑन द प्राइमरी फॉर द फूड आर लेबल्ड एज सेकेंडरी कार्डिवोल अब जो एनिमल डिपेंड कर रहा है प्राइमरी कार्निवर पे मतलब सेकेंडरी कंज्यूमर पे तो उसे क्या कहा जाएगा सेकेंडरी कार्निवोर और टर्शरी कंज्यूमर क्योंकि अभी हमने देखा था कि आपके पास टर्शरी <coughs> कंज्यूमर्स भी हो सकते हैं ये लाइन हमने पढ़ी थी तो भाई टर्शरी कंज्यूमर क्या कहलाया जाएगा हमारा सेकेंडरी अ सिंपल ग्रेजिंग फूड चेन डी एफ सी इज डिपेक्टेड बिलो डीएफसी का मतलब होता है ग्रेजिंग फूड चेन ग्रास क्या है प्रोड्यूसर है गोड क्या हुई प्राइमरी कंज्यूमर और मैन क्या हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर अब सेकेंडरी कंज्यूमर तो ये है और ये क्या है प्राइमरी कार्निवोर भी है और ये क्या है हर्बीवोर अब मान लो ये मैन है मैन को फर्दर किसने खा लिया किसी जानवर ने खा लिया हायर ऑर्गेनिज्म सब लाइन ने खा लिया तो ये क्या होगा सेकेंडरी कार्निवोर और टर्शरी कंज्यूमर। दैट सिंपल ग्रेजिंग फूड चेन अब जो डेट्राइटस फूड चेन होती है बिगिन विद डेड ऑर्गेनिक मेटर कहाँ से स्टार्ट होती है हमारी जो डेट्राइटस फूड चेन होती है डेड ऑर्गेनिक मेटर से हमारी डेट्राइटस फूड चेन स्टार्ट हो जाती है इट इज़ मेड अप ऑफ डिकम्पोजर्स किसकी बनी हुई होगी डीकम्पोजर्स की बनी होगी जो कैसे होंगे हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है मेनली फनजाई एंड बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉपिक जो दूसरे पर डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए उसमें भी कौन है हेट्रोट्रॉपिक में फनजाई और बैक्टीरिया दे मीट द एनर्जी एंड द न्यूट्रन रिक्वायरमेंट बाय द डिग्रेडिंग डेड ऑर्गेनिक मैटर और द डेट्राइटस वो अपनी एनर्जी या अपने न्यूट्रन कैसे लेते हैं जो भी वहाँ पर डिग्रेडिंग डेड ऑर्गेनिक मैटर है या डेटराइटस है उसको डिग्रेड करके वहाँ से वो अपनी एनर्जी अपने न्यूट्रंस लेते हैं दीज आर ऑल्सो नोन एज अ सेप्रोट्रॉप्स इन्हें हम सेप्रोट्रॉप्स भी कहते हैं सेप्रोट्रॉप्स सेप्रो का मतलब है टू डी जो जिसे डीकम्पोज करने जो डिकम्पोज करेगा डिकम्पोजर सिक्रिएट डायजेस्टिव अब डीकम्पोजर या डीकम्पोजिशन होता कैसे है जो डिकम्पोजर से क्या करते हैं वो एन्जाइम सिक्रिएट करते हैं कैसे एंजाइम डायजेस्टिव एंजाइम सिक्रिएट करते हैं जो ब्रेक डाउन करता है डेड और वेस्ट मटीरियल को सिंपल इनऑर्गेनिक मटीरियल में कैसे मटीरियल में इनऑर्गेनिक में ना कि ऑर्गेनिक सिंपल इनऑर्गैनिक मटीरियल में उसको तोड़ता है जो सब्सिक्वेंटली एब्जॉर्ब हो जाते हैं उन्हीं के थ्रू अब हम बात करें अगर एक्विटिक इको सिस्टम में तो ग्रेजिंग फूड चीन मेजर कंडक्ट है एनर्जी फ्लो का कि जो एक्वेटिक इको सिस्टम है पूछा जाए तो वहाँ पे कि मेन एनर्जी सप्लाई कौन कर रहा है तो कौन करता है मेन एनर्जी सप्लाई वहाँ पे ग्रेजिंग फूड चेन तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि मेन सप्लाई फॉर द एनर्जी एक्वेटिक इको सिस्टम में कौन करवाते हैं ग्रेजिंग फूड चेन तो ग्रेजिंग फूड चेन इज अ मेजर कंडक्ट फॉर एनर्जी फ्लो वहीं पे अगर हम इसके अगेन जाएँ तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो मच लार्जर फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो है वो कौन किसके थ्रू तो होता है डेटराइटस फूड चेन के होता है एज कम्पेयर टू जी एफ सी तो ग्रेजिंग फूड चेन कहाँ एनर्जी सप्लाई करवाती है मेनली एक्वेटिक इको सिस्टम में और जो डेट्राइटस फूड चेन है वो कहाँ करवाती है हमारे टेरेस्ट्रियल इको सिस्टम में डेट्राइटस फूड चेन मे बी कनेक्टेड विद द ग्रेजिंग फूड चेन एट द सम लेवल अब जो कहीं बार जो डेटराइटस फूड चेन होती है वो ग्रेजिंग फूड चेन से कई बार कनेक्टेड होती है तो सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ द डेट्राइटस फूड चेन आर प्रे टू द ग्रेजिंग फूड एनिमल्स कई बार जो डेट्राइटस फूड चेन के जो ऑर्गेनिज हैं वो क्या है प्रे हैं किसके लिए ग्रेजिंग फूड चेन प्रे मतलब जिसको वो शिकारी खाने वाला है मतलब उसका खाना किसके लिए ग्रेजिंग फूड चेन के लिए एंड ए नेचुरल इकोसिस्टम कुछ एनिमल जैसे कि कॉकरोचेस क्रो एक्सेट्रा ये क्या होते हैं ओमनी होते हैं मतलब ये हरबी बोर का काम भी करेंगे और कार्बोर का काम भी करेंगे दीज़ नेचुरल नैचुरल इंटरकनेक्शन ऑफ़ फूड चेन मेक इट अ फूड वेब वही अब ये इंटरकनेक्शंस जो हैं कि ग्रेजिंग फूड चेन कई बार डेट्राइटस फूड चेन ग्रेजिंग फूड चेन से कनेक्टेड है कैसे है कि जो डेट्राइटस फूड चेन के ऑर्गेनिज्म है वो किसका काम करेंगे प्रे का काम करेंगे किसके लिए ग्रेजिंग फूड चेन के ऑर्गेनिज्म के लिए अब यही इंटरकनेक्शन क्या बना रहे हैं ये दोनों फूड चेन इंटरकनेक्ट हो गई तो इन्होंने क्या बना दिया फूड वेब बना दिया हम ह्यूमन बींग्स को भी किस में कैटेगराइज क्रे करते हैं ओमनीवोर्स में ऑर्गेनिज्म ऑक्युपाई अ प्लेस इन द नेचुरल सराउंडिंग और इन अ कम्युनिटी अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिज्म अब किसी ऑर्गेनिज्म की फीडिंग रिलेशनशिप कैसी है दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ तो उस बेसिस पे उनको क्या गया है एक प्लेस दी गई है हमारे नेचर ने हमारे नेचर में एक प्लेस दी गई है हर एक ऑर्गेनिज्म को किस बेसिस पे कि उसकी फीडिंग रिलेशनशिप कैसी है दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ देयर न्यूट्रिशन और द फूड कि कैसा उनका सोर्स है न्यूट्रिशन का कहाँ से वो न्यूट्रिशन ले रहे हैं कहाँ से फूड ले रहे हैं ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई अ स्पेसिफिक प्लेस इन द फूड चेन दैट इज नोन एज अ ट्रॉपिक लेवल तो ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई करता है एक स्पेसिफिक प्लेस फूड चेन में जिसे हम कहते हैं ट्रॉपिक लेवल मतलब कि ये जो लेवल है कि इस लेवल पे ये ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है ये प्रोड्यूसर है ये कार्निवोर है सॉरी ये प्रोड्यूसर है ये कंज्यूमर ये प्राइमरी कंज्यूमर है ये सेकेंडरी कंज्यूमर है ये टर्शरी कंज्यूमर है तो so, ये जो प्लेस दी गई है जो पोजीशन दी गई कि कि है इनकी किस फीडिंग रिलेशनशिप क्या मतलब क्या सोर्स है लाइक प्राइमरी कंज्यूमर का सोर्स क्या है वो प्रोड्यूसर से डायरेक्टली खाना ले रहा है तो वो इस बेसिस पे इन्हें डिवाइड किया कि कौन प्राइमरी कंज्यूमर बनेगा कौन सेकेंडरी बनेगा कौन नर्सरी बनेगा तो इस लेवल को या इस कैटेगराइजेशन को इनको बांटना क्या कहला जाता है ट्रॉपिक लेवल जो इनका लेवल है उसको कहते हैं हम ट्रॉपिक लेवल प्रोड्यूसर्स बिलोंग टू द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल प्रोड्यूसर्स किस पे आते हैं फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे आते हैं क्योंकि ये क्या है सबको खाना देने वाले हैं फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल देखो भाई लिखा है ये इनपुट कर रहे हैं इनका तो प्रोड्यूसर्स बिलोंग टू फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हर भी वो प्राइमरी कंज्यूमर्स के अंदर आते हैं वहीं पर सेकेंड टू द सेकेंड एंड द सेकेंडरी कंज्यूमर्स के आते हैं एंड टू थर्ड फिर हमारे किस में आएंगे वो टर्शरी कंज्यूमर्स के अंदर आएंगे तो ये लेवल जो दिए गए हैं सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर प्रोड्यूसर्स एंड द टर्सरी कंज्यूमर ये सब क्या है ट्रॉपिक लेवल है जी हाँ दिया है तेनों वही समझा है ये प्रोड्यूसर हो गया ये प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर एंड द टर्सरी कंज्यूमर फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल प्लांट सेकेंड ट्रॉपिक लेवल हर्बीवोल थर्ड ट्रॉपिक लेवल कार्निवोल एंड द फोर्थ ट्रॉपिक लेवल इज टॉप कार्निवॉल इसमें क्या आते हैं मैन एंड लायन थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे क्या गया बर्ड फिशेज वॉल्फ सेकेंड पे जू प्लैंगटोन ग्रास ऑफर अंध काओ फाइटो प्लैंगटॉन इक्विटी की बात करें जू प्लैंगटोन इक्विटी की बात करें फिशेस इक्विटी की बात हो गई तो ये सब चल रहा है और वहीं पे ग्रास और ट्री, टेरिस्टिल की कंपेयर में बताया जा रहा है द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इज दैट द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीज एट द सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल की मतलब अब हर एक ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी डिक्रीज होती जाती है मैक्सिमम कहाँ है पेड़ पे पेड़ से अगले पे गई हर भी के पास वहाँ कम हो जाएगी हर जगह पे टेन परसेंट लॉस होता जाता है एनर्जी का हर एक ट्रॉपिक लेवल पे प्लांट से गई प्रोड्यूसर से गई प्राइमरी कंज्यूमर के पास वहाँ पे दस परसेंट का लॉस हुआ तो जितनी पेड़ ने बनाई थी उसमें से दस परसेंट कम कर दो वो चली जाएगी प्राइमरी कंज्यूमर के पास अब जितनी प्राइमरी कंज्यूमर के पास है जब वो वहाँ से ट्रांसफर होगी सेकेंडरी कंज्यूमर के पास तो उस प्राइमरी कंज्यूमर के पास जितनी थी उसमें से दस लॉस हो जाएगा सपोज प्लांट के पास थी हज़ार जूल एनर्जी की यूनिट जूल है प्लांट से प्राइमरी कंज्यूमर के पास गई तो उसके पास जाएगी सौ जूल अब प्राइमरी कंज्यूमर जो था उसके बाद जाएगी सेकेंडरी कंज्यूमर के पास तो उसके पास जाएगी दस जूल अब सेकेंडरी से टर्शरी पे जाएगी तो वहाँ पे जाएगी पॉइंट वन जूल तो हर एक ट्रॉपिक लेवल पे कितनी कम होती गई है हर ट्रॉपिक लेवल पे दस परसेंट एनर्जी का लॉस होता है तो ये अभी हम पढ़ेंगे आगे कि द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इज दैट द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीज एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल वैन एनी ऑर्गेनिज्म डाई इट इज कन्वर्टेड टू डेटराइटस और डेड बायोमासट सॉज एज एनर्जी सोर्स फॉर द डम्पोजर अब ये कह रहे होर्गेजम मर जाए तो डाइट्राइटस में कन्वर्ट हो जाता है डेड बायोमास बन जाता है वो किसके लिए सोर्स बन जाता है डीकम्पोजर्स के लिए तो ऑर्गेनिज्म एट ईस ट्रॉपिक लेवल डिपेंड ऑन दोज एट द लोअर ट्रॉपिक लेवल फॉर द एनर्जी डिमांड तो हर एक ऑर्गेनिजम जो ट्रॉपिक लेल पे है वो किस पर डिपेंड करने वाला है अपने लोअर ट्रॉपिक लेवल पे इसके पास कितनी एनर्जी जाएगी ये डिपेंड करेगा कि इस ट्रॉपिक लेवल के पास कितनी एनर्जी है फिर इसकी जो एनर्जी है वो डिपेंड करेगी इसके पास कितनी है और इसके पास कितनी एनर्जी जाएगी डिपेंड करेगा कि इसके पास कितनी एनर्जी है तो हर एक ऑर्गेनिज्म के पास कितनी एनर्जी डिपेंड करेगी वो अपने लोअर ट्रॉपिक लेवल पर डिपेंड करता है इस ट्रॉपिक लेवल हैज अ अर्टन मास ऑफ लिविंग मटीरियल एट अ पर्टिकुलर टाइम कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप अब हर एक ट्रॉपिक लेवल के पास कुछ मास है लिविंग मटेरियल का एक पर्टिकुलर टाइम के लिए उसे कहा जाता है स्टैंडिंग क्रॉप और जो स्टैंडिंग क्रॉप है उसको मेजर किया जाता है मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब बायोमास तो बायोमास क्या हुआ कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का मास कितना है और जो नंबर इन एफ यूनिटी है तो उसका नंबर कितना है तो दैट इज स्टैंडिंग क्रॉप स्टैंडिंग क्रॉप क्या हुआ कि हर एक ट्रॉपिक लेवल पे कितना मास है लिविंग मटेरियल का एक पर्टिकुलर टाइम पे तो उसे कहते हैं हम स्टैंडिंग क्रॉप बायोमास ऑफ ए स्पीशीज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फ्रेश और ड्राइविट बास को किस बेसिस पे मेजर किया जाता है किस एक्सप्रेस कैसे एक्सप्रेस किया जाता है या तो फ्रेश या ड्राइविट के फॉर्म में मेजरमेंट ऑफ बायोमास इन टर्म्स ऑफ ड्राई वेट इज़ मोर एक्यूरेट ड्राई वेट में ज़्यादा एक्यूरेट होता है क्योंकि जो वाटर जो होता है वाटर अमाउंट कई बार होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पर डिपेंड ही करता है बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है तो वाटर लॉस ज़्यादा होगा कई बार टेम्परेचर उतना नहीं है ह्यूमिड नेचर तो वाटर लॉस कम होगा इसलिए हमेशा ड्राई वेट को कंसिडर किया जाता है वही उसको ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है आप जो नंबर ऑफ़ ट्रॉपिक लेवल है ग्रेजिंग फूड चेन है वो रेस्ट्रिक्टेड है हमेशा क्यों रेस्ट्रिक्टेड है वही क्योंकि हमेशा एनर्जी का लॉस होता है हर एक ट्रॉपिक लेवल पे अगर जितना ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल होगा अगर छः सात दस हज़ार तो हर जो सबसे टॉप वालों को उसके बहुत कम अमाउंट ऑफ़ एनर्जी जाएगी इसलिए जो लेवल होता है ट्रॉपिक लेवल का रेस्ट्रिक्टेड है क्योंकि हर एक ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी लॉस होती है दैट इज़ द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फॉलोज टेन परसेंट लॉ क्या करती है टेन परसेंट लॉ ही करती है तो ओनली टेन परसेंट ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर टू ईस्ट ट्रॉपिक लेवल सॉरी मैंने गलत बोल दिया था कि टेन परसेंट लूज करेगा मैंने वो ये है कि हर एक ट्रॉपिक लेवल पर टेन परसेंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होती है ईस्ट ट्रॉपिक लेवल पर एग्जाम्पल सही समझाया कि टेन थाउजेंड है थाउजेंड से हंड्रेड जाएगी हंड्रेड से टेन पॉइंट वन लेकिन सिर्फ टेन परसेंट एनर्जी ट्रांसफर होती है वहाँ पे फ्रॉम द लोअर ट्रॉपिक लेवल इन नेचर इट इज पॉसिबल टू हैव सो मैनी लेवल प्रोड्यूसर हाबीवो प्राइमरी कार्निवो से ग्रेजिंग फूड चीन जैसे यहाँ दिया है सन फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल प्रोड्यूसर प्लांट हुए सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पर प्राइमरी कार्निवोल हर्बीवो रहा है फिर उसके बाद थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे का और सेकेंडरी कंज्यूमर पे फिर कानीवो बर्ड है यहाँ पे फिर फोर्थ पे हमारा ईगल या वल्चर आ जाते हैं फिर यहाँ से कुछ एनर्जी रिलीज हुई ये सब क्या है यहाँ पे एनर्जी फ्लो दिखा रहे थे कैसे एनर्जी फ्लो होता है हर एक ट्रॉपिक लेवल पे तो सन कुछ हीट लॉस हुआ फिर हीट लॉस हुआ फिर हीट लॉस हीट लॉस हर लेवल पे हीट लॉस है तो सिर्फ टेन परसेंट एनर्जी ट्रांसफर होती है जिसे बोलते हैं टेन परसेंट लॉस सपोज यहाँ हजार दस हजार थी तो यहाँ हज़ार जाएगी फिर यहाँ सौ जाएगी यहाँ दस जाएगी ऐसे एनर्जी ट्रांसफर हो रही है तो यहाँ तक रखते हैं इसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे यहाँ से इकोलॉजिकल पिरामिड से एक बार उसको पढ़ लेना कोई डाउट आए तो कमेंट में मेंशन कर में देना आई ट्राई कि मैं उसको सॉल्व कर दूँ तुम्हारा डाउट क्लियर करूँ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू